नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी तरीके से टेस्टी चिकन करी की रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 750 ग्राम चिकन। चिकन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। लिया मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू को 2 टुकड़ों में काट के। आलू चाहे तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। डाल देंगे हम यहाँ पे 3-4 हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के, और साथ ही मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज भी डाल देंगे हम। डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पतले स्लाइस में काट के। डालेंगे हम 1 तेज़पत्ता को 2 टुकड़ा करके, 1 टुकड़ा दालचीनी के, 2 छोटी इलायची, साथ ही हम डालेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 नमक डाल देंगे हम स्वादानुसार। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। डालेंगे हम 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे चिकन मसाला, और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 4 चम्मच सरसों का तेल। अब अच्छे से मसाले चिकन में हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप कौन से गांव से या कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आज की चिकन करी आप रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके मीडियम रखेंगे और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद एक बार हम अच्छे से स्पैचुला से चला लेंगे। फिर हम गैस का फ्लेम मीडियम करके 5-7 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, और चिकन को तब तक हम ढक के भूनेंगे जब तक एकदम चिकन के साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। बस बीच बीच में खोल के हमें बार बार स्पैचुला से चला के फिर से ढक लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और ढक देंगे फिर से 5-6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट बाद एक बार स्पैचुला से फिर से चला लेंगे। अच्छे से चिकन को मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और ढक देंगे हम 10 मिनट के लिए, लेकिन बीच में खोल के आप 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 10 मिनट हो गए चिकन को हमें ढक के पकाते हुए, और आप देख सकते हो चिकन बहुत ही अच्छे से हमारा भून चुका है, एकदम साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। एक बार हल्के हाथों से मिक्स करके हम डालेंगे गरम पानी। तो पानी आप उतना ही डालिएगा जितना आपको ग्रेवी चाहिए। मैं थोड़ा सा आज के जो चिकन करी है थोड़ा सा ड्राई बनाऊँगी, तो पानी मैं यहाँ पर 1 कप डालूँगी, लेकिन ठंडा पानी नहीं डालना है, हल्का गुनगुना गर्म करके ही डालिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ग्रेवी में बॉईल आ जाएगा हम पैन को कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक चिकन और आलू पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए, और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब तक चिकन हमारा सॉफ्ट होगा तब तक हम एक दूसरे पैन में डाल लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले फ्राई करेंगे। जीरा जैसे ही अच्छे से चटक जाए हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट के। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। फ्रेंड्स, आज की चिकन करी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। रोटी, चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और देखिए प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा प्याज का कलर और चेंज नहीं करना है हमें।
जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो हम डाल देंगे चिकन में। साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे हम और गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और ढक के पकाएंगे चिकन को और 5 मिनट के लिए। टोटल हमें चिकन को ढक के पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन और आलू पूरी तरीके से हमारा सॉफ्ट हो गया है। एक बार हल्के हाथों से मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जितना आपको ये चिकन करी देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही आपको टेस्टी लगेगा। बस एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और चिकन को सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद ज़रूर बताइएगा, और खाने के बाद अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।